दरभंगा हवाई अड्डे पर एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया यात्री मोतिहारी जिले के ढाका थाना क्षेत्र के कुसमाहा गांव का रहने वाला बताया गया है, जिसका नाम कमालुद्दीन है। कमालुद्दीन शनिवार को मुंबई जाने के लिए मोतिहारी से दरभंगा आया था। सामान चेकिंग के दौरान उसके पास एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस जो 9 mm के थे बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने मोहम्मद कमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद कमालुद्दीन के पास से कई फर्जी नाम के आई कार्ड्स, उर्दू मैगजीन का प्रेस कार्ड सहित अन्य कागजात भी बरामद हुए हैं। युवक द्वारा बताए गए एक पते पर पुलिस ने स्थानीय थाने से भी जानकारी प्राप्त की, जो सही पाई गई है। वहां के थाने में भी आरोपी पर 2 मामले दर्ज हैं। मामला यह है कि एयरपोर्ट पर आज बॉम्बे जाने वाली जो फ्लाइट है स्पाइस जेट की, उसमें जा रहे यात्रियों की जब सामान को स्कैन किया रहा था, उसमें स्कैनर में कलामुद्दीन नाम का ये शख्स है जो मोतिहारी का बताया जा रहा है, जैसा इसका आई कार्ड वगैरह से पता चल रहा है। इसके सामान में ये 3 लाइव बुलेट्स और एक मैगजीन मिला। उसके बाद इसे डिटेन किया गया है और पूछताछ के लिए सदर थाना अंतर्गत लाया गया है। पूछताछ की जा रही है। क्या क्या सर बरामद जो हुए हैं उसमें कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं? संदिग्ध में फिलहाल तो ये बुलेट्स हैं और उसके अलावा इसका आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम कुछ और है, एक आध प्रेस का कार्ड है जो उसने बना रखा है। प्रीवियस इसका ट्रैक आपराधिक आ रहा है, ये सब पता किया जा रहा है उसके मोतिहारी जिले से। ये क्या बता रहा है कि ये आया कहाँ से और कहाँ जाना था और ये बुलेट कहाँ से इसके पास है? ये अभी तरह तरह की बातें बता रहा है लेकिन उसका स्पष्ट कुछ कहना मुश्किल है, जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा सर कि कोई संदिग्ध मामला है? जो फेक आई कार्ड्स हैं, प्रेस का कार्ड है, एक मानवाधिकार का कार्ड है, ये सब देखते हुए तो मामला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रतीत नहीं हो रहा है। सर PA5 से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ था, जब मुतिहारी में कांड का संदिग्ध जांच के लिए टीम गई थी, तो उससे भी कुछ जोड़ के देखा जा रहा है। अभी बहुत अर्ली है कुछ कहना इसके लिए, उनसे पर कुछ कहना बहुत अर्ली स्टेज है। क्या पहचान, क्या बताया, नाम क्या बताया, नाम वगैरह है? थाने से पुष्टि की गई है वहां के थाने से, इस नाम का शख्स वहां एग्जिस्ट करता है। नाम क्या बताया? कलीमुद्दीन। सर जिस गांव का ये बताया जा रहा है नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर, तो क्या लग रहा है कुछ इंटरनल इस तरह की बात है? सब पर वहां से जांच पड़ताल की जा रही है, इंटरडिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन करके वहां के पुलिस के सहयोग से उस सब पर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी है कि कमालुद्दीन हथियार के साथ क्यों आया और मुंबई क्या करने जा रहा था। इलाका नेपाल से सटा होने के कारण पुलिस को नशे के साथ नकली रुपए के कारोबार से जुड़े होने की भी आशंका है, लेकिन पुलिस अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। आरोपी के पासपोर्ट को भी खंगाला जा रहा है। दरभंगा पुलिस की लगभग सभी ब्रांच इस जाँच में जुटी है।